हाय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे काजल कैसे बना सकते हैं। घर का बना हुआ काजल हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, वो हमारी आंखों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। काजल बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होता है काजल पाउडर, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दिया लिया है और दो बाती ली है। दिया जलाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि सरसों का तेल। आप चाहे तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्योर देसी घी का। अब मैं दिए में बाती लगा के उसमें ऐड करूंगी ऑयल को और इसे जला लूंगी और 3 ग्लास में रख के उसके ऊपर प्लेट रखूंगी और इसे इसी तरह मैं 2 घंटे के लिए जलने दूंगी। 2 घंटे के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं एक स्पून की मदद से ये सारा काजल पाउडर को स्क्रैच करके एक बाउल में शिफ्ट कर लूंगी। इतना काजल पाउडर आपके लिए इनफ है। आप इससे काजल बना सकते हैं, लाइनर बना सकते हैं और मस्कारा भी बना सकते हैं। उन सभी के वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये काजल पाउडर कुछ इस कंसिस्टेंसी का दिखेगा। आप एक स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब मैं एक छोटा कंटेनर लूंगी और उसमें 1 टेबलस्पून काजल पाउडर ऐड करूंगी और इसको पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करूंगी। आप एक बार में पूरा ऑयल ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें वरना आपका काजल बहुत रनी हो जाएगा। आप कैस्टर ऑयल की जगह कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आमंड ऑयल हो गया या फिर आप प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी पलकों को लंबा करता है, हमारी आईब्रो को भी ठीक करता है, इसलिए मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं एक टूथपिक की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और कैस्टर ऑयल ऐड करूंगी और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे तब तक मिक्स करना होगा जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अब ये काजल बिल्कुल तैयार है और मैं एक आईलाइनर ब्रश की मदद से आपको इसे अप्लाई करके बताऊंगी अपने हाथों पे, ताकि आप देख सकें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इस काजल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है कलर में, आप खुद देख सकते हैं, और ये लगाने में भी काफ़ी आसान है। आप इसे एज अ काजल इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे एज अ आईलाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काजल आप छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आंखों को नुकसान करे। तो फिर दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।